नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा खुश जीवन राशि फल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 2 अक्टूबर 2021 के पंचांग के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने भी हमारा खुश जीवन राशि फल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोज आप तक पहुँच सकें। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट भगवान का नाम जरूर लिखें। आइए पंचांग शुरू करने से पहले जानते हैं आज के दिन क्या विशेष रहने वाला है। आज इंदिरा एकादशी का व्रत है। आज के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा विशेष लाभप्रद मानी गई है। आज के दिन शुक्रदेव भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी वृश्चिक राशि में गोचर करना शुरू कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं पंचांग। वार शनिवार, विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, माह आश्विन माह, पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि एकादशी तिथि, नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र, योग सिद्ध योग जो कि शाम को 5:47 तक रहेगा, उसके बाद साध्य योग प्रारंभ हो जाएगा। दोनों योग अत्यंत शुभ योग माने गए हैं। बात करें करण की तो भव करण जो कि 11:13 तक रहने वाला है, उसके बाद बालव करण प्रारंभ हो जाएगा। आइए बात करते हैं सूर्य और चंद्र से संबंधित गणनाओं। सूर्योदय प्रातः 6:18, सूर्यास्त शाम 6:02। सूर्यदेव कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं, जिसके कि स्वामी बुद्ध देव बनते हैं। बात करते हैं हम चंद्रोदय की तो 1:42 पर चंद्रोदय होंगे। अगर बात करें हम चंद्रास्त की तो 3:48 पर चंद्रास्त होंगे। चंद्र राशि की हम बात करें तो चंद्रदेव कर्क राशि से संचरण कर रहे हैं, जो कि उनकी स्वराशि है, खुद की राशि। आइए बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त की। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर 4:42 से और 5:30 तक ब्रह्म मुहूर्त रहने वाला है, जो कि शुभ समय में शुभ योगों में आता है। बात करें अभिजित मुहूर्त की तो 11:46 से और 12:23 तक रहेगा। कोई भी शुभ कार्य अगर हम शुरू करना चाहते हैं तो हम उसे अभिजित मुहूर्त में शुरू कर सकते हैं। आइए बात करते हैं दिन के चौबड़िए की। सबसे पहले सूर्योदय से प्रारंभ करते हैं काल का चौबड़िया। 6:18 से 7:46 तक काल का चौबड़िया रहेगा, जो कि अशुभ समय है। काल के बाद शुभ 7:46 से और 9:14 तक रहने वाला है, यह शुभ का चौबड़िया है, अच्छा समय है। शुभ के बाद बात करते हैं रोग। 9:14 से और 10:42 तक रोग का चौबड़िया रहने वाला है, जो कि अशुभ समय है। रोग के बाद उद्वेग। 10:42 से और 12:10 तक उद्वेग का चौबड़िया रहेगा। यहाँ पर रोग और उद्वेग ये दोनों चौबड़िए अशुभ समय माने गए हैं। उद्वेग के बाद चर 12:10 से और 1:38 तक रहने वाला है। चर का चौकड़िया सामान्य समय है। चर के बाद लाभ 1:38 से और 3:06 तक रहने वाला है। लाभ का चौकड़िया अच्छा समय है, शुभ समय है। लाभ के बाद हम बात करें अमृत की तो 3:06 से और 4:36 तक रहने वाला है। अमृत का चौकड़िया अच्छा समय है, शुभ समय है। अमृत के बाद हम बात करते हैं काल। काल का चौकड़िया 4:36 से और शाम 6:02 तक रहेगा। इन सभी चौकड़ियों में शुभ, लाभ और अमृत ये तीनों चौकड़िए अत्यंत शुभ माने गए हैं। रोग, काल और उद्वेग इन्हें अशुभ चौकड़िए की संज्ञा दी गई है। आइए बात करते हैं अशुभ समय राहु काल और गुलिक काल की। ज्योतिष शास्त्र में राहु काल और गुलिक काल को अशुभ समय माना गया है। कोई भी शुभ कार्य इन दोनों समय में त्याग माने गए। आइए बात करते हैं राहु काल। राहु काल 9:00 से 10:30 तक रहेगा। गुलिक काल की बात करें तो 6:00 से 7:30 तक रहने वाला है। कोई भी शुभ कार्य के लिए यात्रा भी हमें राहु काल में शुरू नहीं करनी चाहिए। आइए बात करते हैं दिशाशूल की, यानी आज के दिन किस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो आज के दिन का दिशाशूल है पूर्व दिशा में। तो फिर भी जातक अगर यात्रा कर रहा है तो यात्रा से पहले उसे दिशाशूल का परिहार कर लेना चाहिए, ताकि यात्रा के शुभ फल प्राप्त हों। आज के दिन यानी उड़द से बने हुए पदार्थों का सेवन करके आपको पूर्व दिशा में यात्रा करनी चाहिए। आइए बात करते हैं चंद्रबल यानी शुभ राशियों की। कौन कौन सी राशियां आज शुभ रहने वाली हैं तो आज की शुभ राशि हैं वृष, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ। ये राशियां शुभ राशियां रहने वाली हैं। आइए बात करते हैं आज जो भी जातक जन्म लेंगे उनकी जन्म राशि, नामाक्षर और जन्म पाई की। तो आज जो भी जातक जन्म लेंगे उनकी राशि है कर्क राशि, क्योंकि आज के दिन चंद्रमा कर्क राशि से संचरण कर रहा है। बात करें नामाक्षर की तो उनके नामाक्षर रहेंगे डी, डू, डे और डू। जन्म पाई की बात करें तो इनका सभी का रजत का पाया रहने वाला है। धन्यवाद।